हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनिता व्लॉग। सो आज ना मैंने जो है हमने ना घर पे जो है सफाई करने के लिए बुला रखा है बाहर से किसी को, और काफी मतलब हम ना हर 15 या 20 दिन में उनका वेट करते हैं, वो आते हैं, उसके बाद घर की साफ सफाई होती है। दीदी वाह दीदी दीदी वाह दीदी दीदी जितनी भी होती है। तो आज मैं आपको जो है दिखाती हूँ कि हमारे मैं अपने घर की जो है पूरी साफ सफाई ऊपर की किससे करवाती हूँ और कहाँ से मैं बुलवाती हूँ। सो अभी मैं आपको मिलवाती हूँ उनसे। तो ये देखिए, ये हमने घर बुलवाए हैं और ये बहुत ही दूर से आए हैं सफाई करने के लिए। ये देखे, हेलो अगली बार आना ही नहीं है। तो यहाँ सफाई करने के लिए बुला रखा है इनको हमने। क्या है इसका पंगा, ये कैसे हट गया? हाँ लगाओ लगाओ लगाओ, ठीक है। पूरी आ गई तो बाहर। अरे ये क्या कर दिया, ये बेकार है यार ये सफाई वाले। रुको 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 रुको, मैं कुछ देर। सो जो लोग ये बोलते हैं ना ये काम नहीं करते हैं, तो देख लो भाई, पंखे यही साफ करते हैं हमारे घर के। और इस चीज के लिए मैं नहीं बोलूंगी कि ये काम मैं करती हूँ, तो ये यही करते हैं। मैं तब करती हूँ जब ये इनको टाइम लग जाता है आने में, जो है मैंने जैसे कि आपको बताया कि यही आते हैं दूर से, हमने बुलवाते हैं इनको सफाई के लिए। आजकल ये जरा दूर शिफ्ट हो गए। अच्छे से साफ करो, बिल्कुल चिकनाहट निकल जानी चाहिए। सो जो है यहाँ पे ना मैं अपने कपड़े करी थी प्रेस, और मेरी आदत क्या है, मैं ना एक ही बार में ना कपड़े सारे प्रेस करके रख देती हूँ अपने जो भी होते हैं, मतलब उसके बाद फिर ये होता है कि पूरा वीक आराम से चल जाते हैं, क्योंकि बच्चों को स्कूल वगैरह लेने के लिए जाना होता है, वो होता है, तो फिर बड़ी प्रॉब्लम आती है उस टाइम पे कि फिर पहले कपड़े निकालो प्रेस करो। सो इसलिए मैं क्या करती हूँ ना, एक वन वीक के कपड़े पूरा सैटरडे संडे के टाइम पे या जब बच्चे स्कूल चले गए तो प्रेस करके रख देती हूँ। सो गाइस, भाई साहब आ गए थे टाइम पे स्कूल से, साइकिलिंग वाइकलिंग करने के बाद, खेल कूद के आने के बाद भाई साहब कर रहे हैं अपनी बंदूक में इंजीनियरिंग। क्या हो गया इसमें, कल स्कूल जाना है? नहीं नहीं, किस चीज़ की छुट्टी है? अच्छा कल मैं रोलर स्केट्स खेलूंगा। कौन दिलवा रहा है आपको? मैं कुछ नहीं दिलवाने वाला। अरे देखिए आज भाई साहब सारे अपनी वो करने के चक्कर में है वो, ठीक। संकेत जोशी क्या कर रहे हो? संकेत जोशी अपने दादू के रूम में देख रहे हैं टीवी। और हेमा तुम्हारा क्या चल रहा है अभी? अच्छा हाँ, आटा गूंदने की तैयारी। और ये रायता, आज भैया लोग आ रहे हैं हमारे कजन्स, तो जो है भी बूंदी हेमा ने भिगा दी है आटा यहाँ पे। आटा मैंने भी गूंदा था एक बार हेमा के लिए ऐसा, लेकिन वो जो इसने गोलियां बनाई तो इसे समझ नहीं आया कि इसे रोटियां बनाऊं कि इससे लड़ाई करूं, ऐसे मैंने बनाए बम के गोले। और साथ में बना हुआ है बिना प्याज लहसुन का शाही पनीर, और साथ में बने हैं छोले। तो जो है अभी नवरात्रे चल रहे हैं, तो इसीलिए खाना जो है टोटल बिना प्याज लहसुन का बनेगा। और देखिए शुभ जोशी, क्या आना है आपके लिए? क्या होता है वो? रोलर स्केट्स। अच्छा वो स्केटिंग शूज बोलते हैं जिनको। अच्छा फीते वाले या बिना लेसेस वाले? और लेसेस वाले। तो आपके साइज के मिलेंगे? आपके पाँव तो इतने चिन्ने से हैं, इतने से पाँव के मिलते हैं? चल ठीक है। हेलमेट भी लेना है? ठीक है, हेलमेट तो आना, वो हरा वाला साइकिल वाला।